आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। अब संभल जिले में भी सोत नदी को पुनर्जीवित करने की पहल की गई। असमौली विकास खंड के मातीपुर में इसका शुभारंभ जिलाधिकारी और एसपी ने किया। जिलाधिकारी नदी तट पर पहुंचे, जेसीबी मशीन, मनरेगा मजदूर और नागरिक सहयोग के जरिए नदी की खुदाई शुरू की गई। वहीं पहले दिन करीब 1 किलो हिस्से में खुदाई की गई। बारिश से पहले पूरी नदी को खोदने और पुराने रूप में लाने का प्रयास शुरू हो चुका है। सोत नदी का करीब 40-45 किलोमीटर हिस्सा संभल जिले में पकड़ता है। इसमें संभल तहसील में 24 और चंदौसी तहसील में 18 से 20 किलोमीटर हिस्सा है। सोत नदी को अवैध कब्जों से मुक्त पहले ही किया जा चुका है, अब नदी में खुदाई होनी है। अमरोहा में जिला प्रशासन पहले ही नदी को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के बाद खुदाई कर चुका है। संभल में कुछ संगठनों ने और नागरिकों ने भी अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग की। इसके बाद जिलाधिकारी ने बहजोई जिले के सभी उपजिलाधिकारियों के साथ बैठक की थी। मनरेगा के जिला प्रभारी को भी बुलाया गया था। उसी बैठक में तय किया गया कि श्रमदान सरकारी मनरेगा योजना और नागरिकों के सहयोग से नदी को पुराने रूप में लाया जाए ताकि जल स्रोत जीवित हो सके। बताते चले कि गुम होते नदी और तालाबों को लेकर लगातार ये क्रम जारी है, जिसके चलते जहां लोगों में चेतना पैदा हुई है वहीं प्रशासन ने धरातल स्तर पर पहल शुरू कर दी है। सोत नदी के किनारे खाली पड़ी सरकारी भूमि पर बारिश के दिनों में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मनरेगा के तहत पौधे लगवाने और उनकी देखरेख की योजनाएं हैं। इसके अलावा श्रमदान और मनरेगा श्रमिकों के काम से नदी को पुनर्जीवित कराने की योजना पर अमल किया जा रहा है। नदी तालाबों को पुनर्जीवन करने के मामले में संभल प्रशासन की पहल सराहनीय है। खेतों के लिए, यहाँ के वन संपदा के लिए वह बहुत जीवनदायिनी थी। वह नदी जो कागजों में सिमट गई थी और उस नदी को फिर से हम लोग लेकर के जीवित करके और अपने समाजों को योगी बना करके जनपद वासियों को, ग्राम वासियों को, सबके काम में और अनगिनत पशु पंक्षियों को तोहफे के रूप में देने के उद्देश्य से इकट्ठा होने वाले इस कार्यक्रम में हमारे साथी एसपी साहब आदरणीय श्री यमुना प्रसाद जी, इस कार्यक्रम में मुझे तो श्रेय ज्यादा मिला, लेकिन जो श्रेय के वास्तविक हकदार, जिनको कि थोड़ी कम कवरेज मिली, मेरे को ज्यादा मिल गई, वैसे हमारे मुख्य विकास अधिकारी आदरणीय श्री उमेश त्यागी जी, जिन्होंने कि सही बात है कि मेरे केवल संकल्प में तो एक आया, क्योंकि मैं थोड़ा इधर काफी दिनों से अपने दिन की शुरुआत अपने कुछ पशु पक्षी मित्रों के साथ करता हूँ। सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, संदर्भ अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर जीवन से पानी चला गया तो फिर कुछ बचता नहीं। आज ये महती अभियान जो शुरू किया गया है, यहाँ पे एक प्रयास शुरू किया गया है कि पुनः नदी को जीवित किया जाए। हमारी वैदिक परंपरा रही है, नदियों का गुणगान किया गया है, पूरा ऋग्वेद में एक नदी सूक्त है, एक अध्याय है पूरा नदी सूक्त के रूप में, और सरस्वती नदी ऐसी नदी उसमें वर्णित की गई है कि सभी को जीवन देती है। आज का दिन एक यादगार दिन रहेगा। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के भागीरथ संकल्प की वजह से आज ये कार्यक्रम हम लोग कर पा रहे हैं। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने ये संकल्प लिया था, उनकी प्रेरणा थी, हम सबका मार्गदर्शन किया, उन्होंने हम लोगों को बहुत तरीके से प्रेरित किया और उसकी वजह से एक हफ्ते 15 दिन की तैयारी के बाद हम लोग इस स्थिति में आ पाए हैं और लोगों को ये उम्मीद जगी है कि इस नदी का पुनर्जीवन हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है, उसके लिए आप सब लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। जो जन सहयोग, जो उत्साह असमौली से लेकर के संभल तक और पूरे जनपद में दिखाई पड़ रहा है इस कार्यक्रम के लिए, निसंदेह यहाँ की जनता, यहाँ के लोग जितना सच्चा मानस है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही प्रार्थनीय है। और पर्यावरण की सज्जन और समस्त क्षेत्र में जो अशुद्धि है उसकी शुद्धिकरण हेतु और भूमि पूजन। कितनी उम्र हो गई है आपको? हमारी उम्र लगभग 55। पंडित जी, मैं कहना चाहते हैं, यहाँ सोत नदी कब देखी आपने, कभी देखा गया? बहुत पहले, हम तो छोटे छोटे थे, उस समय यहाँ तो नहीं आया। कैसा लग रहा है आपको ये? अब ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जो हमारी विलुप्त होती ये संपत्ति है इसे पुनर्जीवित कर रही है। कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा,
तो क्या आप जो खेतों में पानी लगता था मिलेगा आपको? कब से कभी देखा था आपने पानी यहाँ? नहीं देखा? आज के समय में जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, क्लाइमेटिक चेंज पूरी दुनिया में देखी जा रही है और जिस प्रकार से जल स्रोत सूख रहे हैं उसमें हमारे जनपद संभल में एक बहुत प्राचीन सोत नदी बहा करती थी जो करीब 40-50 वर्ष पहले लोग बताते हैं कि अपने अस्तित्व में थी और लोग इस नदी के अंदर में नहाना धोना लेकर सारा ही काम करते थे। वह नदी अब आज की डेट में अस्तित्व में नहीं है और केवल कागजों तक सिमट के रह गई है। तो हम सभी लोगों ने और हमारे सारे अधिकारियों ने और सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के निर्णय लिया कि सोत नदी को, जो प्राचीन सोत नदी है, उसको पुराना गौरव दिलाएंगे और इस नदी को अपने जनपद में जो तकरीबन 50 किलोमीटर के क्षेत्र से होकर के गुजरती है उसको हम लोग पुनर्जीवित करेंगे। उसी कड़ी में हमारे सभी साथी अधिकारियों ने रात दिन परिश्रम करके, हम जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर के आज उस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ हम लोगों ने किया है, जिसमें कि मनरेगा के अंतर्गत भी हम लोग कार्य करेंगे और बृहद वृक्षारोपण के अंतर्गत नदी खुदाई के बाद गड्ढे खोद करके हम लोग प्लांटेशन का भी काम करेंगे जिसमें छायादार वृक्षों को, फलदार वृक्षों को प्राथमिकता देंगे। कल्पना ये है कि नदी बहेगी और नदी के दोनों तरफ घने छायादार वृक्ष होंगे और यह नदी इस इलाके में किसानों के फसलों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, ग्रामवासियों के लिए जीवनदायिनी के स्वरूप प्राप्त कर सके, यह उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से आज ये कार्यक्रम के लिए हम लोग मातीपुर गांव, जो असमोली विधानसभा विकासखंड का गांव है, आखिरी गांव है इस जनपद का, यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और ये एक साथ सभी ब्लॉकों में इसमें हम लोग जो है डिगिंग का कार्य करेंगे और इसमें पर्याप्त भरपूर जन सहयोग भी मिल रहा है हम लोग और उसके मदद से हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और सोत नदी को पुनर्जीवित करेंगे। है कि सभी लोग जल संरक्षण में बढ़ करके भागीदारी करें क्योंकि जल ही जीवन है, इसके बाद जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज अथक प्रयास से जनपद संभल में एक सोत नदी, जो पुरानी नदी थी, उसका पुनर्जीवन किया जा रहा है और मैं सभी से अपेक्षा करता हूं कि जितने जनप्रतिनिधि हैं, जनता है, वो सब बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में सहयोग करें और ऐसे और भी जगह जो पौंड है, जो तालाब है, जो घर में वो अनावश्यक व्यय कर रहे हैं जल का, उसका संरक्षण करें, जल को जीवन समझे और उसका उपयोग सोच समझ कर करें क्योंकि भविष्य के लिए इसको संरक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। इसी बात के लिए मैं सभी का आह्वान करता हूं और सभी से उम्मीद करता हूं कि सभी इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी करेंगे।